वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ डायपर कैरियर स्टोरेज बैग जो है मैंने 239 में ऑर्डर किया था। ये 4 की जो है वो सेल थी 4 बैग्स की 239 में, तो मैंने सोचा क्यों ना अवेल किया जाए इस चीज़ को। तो मैंने जो है वो ऑर्डर किया, ये मेरे घर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इसके अंदर गहराई है, अच्छी खासी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड अब जो है आप देख लीजिए इसको, मैंने आपको शो कर दिया, इसके अंदर जिप वगैरह लगी हुई बहुत अच्छी बने हुए हैं, प्राइस के हिसाब से सही हैं। और ये डायपर कैडी था, ये आई थिंक 350 समथिंग में था। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके अंदर चारों साइड पर इन्होंने पॉकेट सी हुई हैं और यहाँ पे इनको जो है वो स्टिक करने के लिए इन्होंने अंदर जो है वो लगाया हुआ है कि जिससे जो इसके पार्टीशंस बन जाए, ये देखिएगा। उसके बाद अब मैं आपको उसको सेट करके दिखाती हूँ। ये 3 पार्टीशन इसके साथ आए हैं, एक तो आप इसे नीचे लगा सकते हैं या इसको कवर करने के लिए रख सकते हैं ऊपर से। सो मैंने जो ज़रूरी समझा कि ऊपर से इसको कवर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इसके जो एक पार्टीशन है वो थोड़ा सा पतला है, जिसके अंदर आप कपड़े वपड़े रख सकते हैं, छोटे मोटे चीज़ें जो बच्चों की होती हैं, बॉटल वगैरह साइड पर। और एक थोड़ा सा बड़ा है जिसके अंदर आप डाइपर्स, पाउडर्स और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ उसके अंदर क्या क्या है। सो देखिए, इसके अंदर 2 पार्टीशन जिसके अंदर मैं डायपर्स वगैरह सेट कर रही हूँ और कुछ कपड़े हैं दिखाने के लिए। मैंने सोचा आपको ऊपर रख के दिखा दूँ, बच्चों की दवाइयाँ, फीडर्स और पाउडर, इनका शैम्पू। और इसमें एक इतनी बड़ी एक पार्टीशन में जगह है कि आप एक खिलौना भी फुल एक गाड़ी रखना चाहें तो आराम से आ सकती है, इतनी इसके अंदर चौड़ाई है, यानी कि 2 पार्टीशन में एक एक पार्टीशन में इतनी है। उसके बाद उसमें मैंने कपड़े रखे हैं, कुछ रैपिंग क्लूथ रखे हैं। और अब मैं आपको एक ये फुल गाड़ी रख के दिखा रही हूँ कि अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस है। आप ट्रैवलिंग हो या पिकनिक हो, मम्मा इसमें अपनी चीज़ें भी रख सकती हैं बेबी के साथ साथ। आप लोग अगर इसको लीजिए तो ज़रूर बताइएगा कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।